एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर रुचि लाइफ। और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग टू नाइट रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और अभी मैं यहाँ पे आप देख लेंगे, उड़ीद दाल फूलने के लिए हम लोग रात भर छोड़ दिए थे भिगो के, और उसके बाद इसे हम लोग ने अच्छे से वॉश कर लिया है पानी से। धोने के बाद इसे हम लोग थोड़ा थोड़ा पीस रहे हैं, अच्छा सा एक पेस्ट बना रहे हैं, स्मूथ पेस्ट और एकदम बारीक। इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, पानी ज़्यादा ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो मैं बता दूँ, दही वड़े की। तो उसके लिए इसमें आपको ना ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, नहीं तो आपका जो वड़ा है वो मतलब ना वो जब तेल में आप डालेंगे ना तो वो फैल जाएगा, तो वो वड़ा अच्छा नहीं बनेगा। आपको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी करना है। मेरा पेस्ट जो अभी मैं आपको दिखाऊँगी, ये देखिए कितना ज़्यादा फ्लफी है इस तरह का, ये देखिए। और थोड़ा थोड़ा ऐड करके आप इसे ग्राइंड कीजिएगा, जिससे कि एकदम अच्छे से ये पिस जाएगा। और इसके बाद ये देखिए हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम लोग इसका जो वड़ा है ना वो तैयार करेंगे। तो आप लोग इसी तरह से बनाइए, और ये बहुत ही फ्लफी होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, और नॉर्थ का ये ना बहुत ही अच्छा डिश है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, तेल हमने रख दिया था एक तरफ गर्म होने के लिए, और आप यहाँ पे कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो सरसों ऑयल में भी बना सकते हैं, बट रिफाइंड ऑयल में बनाइएगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। सरसों तेल का एक जो महक होता है ना, सरसों तेल बहुत हार्ड होता है, वो आपको थोड़ा सा आता है। तो यहाँ पे मैंने वो बैटर ले लिया है, और इसमें हम लोग नमक डाले हैं थोड़ा सा एकदम स्वाद अनुसार, और ये बेकिंग सोडा, बहुत ज़्यादा बेकिंग सोडा नहीं डालना है, खाने वाला सोडा एकदम थोड़ा सा डालना है। ये देखिए मैंने एक चिटकी डाला, आपने देखा, अब इसे अच्छे से फेटा जा रहा है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे भाभी बना रही है, और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे एक दूसरे बाउल में पानी रखे हैं गर्म होने के लिए, और इसमें अभी हम लोग ऐड करेंगे नमक, चीनी। तो ये देखिए थोड़ा सा हमने नमक ऐड किया, और यहाँ पे नमक ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पे चीनी थोड़ा ऐड करेंगे। तो मतलब हम लोग बड़े चम्मच से 3 चम्मच चीनी लिए हैं, और उसके बाद हींग, आपको हींग इसमें थोड़ा सा ऐड करना है, और ये पानी को अच्छे से गर्म कर लेना है। तो देखिए हींग भी ऐड कर दिया मैंने, इससे जो बड़ा हम लोग जब तलेंगे ना उसके बाद इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा बैटर तैयार है, हल्का सा हाथ भिंगाइए, एक दूसरा बॉल में पानी रखिए, जिससे कि आपका ये चिपके नहीं। उड़ीद दाल थोड़ा हाथ में लगता है, गर्म हो चुका था तेल, उसके बाद आप ये पकौड़े डालें। तो ये देखिए हम लोग डाल रहे हैं, आप चाहें तो बिल्कुल गोल गोल भी डाल सकते हैं, जैसे हम लोग कोई भी वड़ी वगैरह बनाते हैं ना। देखिए यहाँ पर हमने गोल भी डाला, तो इस तरह से आप गोल या आप जिस भी साइज का थोड़ा सा ऐसे पहले जैसे मैंने डाला हल्का चपटा करके, उस तरह से भी आप डाल सकते हैं। तो आप इस तरह से डाल लीजिए, और उसके बाद डालने के बाद आपको बहुत हाई फ्लेम पे भी नहीं रखना है, और बहुत लो फ्लेम पे भी आपका गैस नहीं रहना चाहिए। ये अच्छे से पकेगा, ऊपर से बिल्कुल इसका जो लेयर है ना क्रिस्पी हो जाएगा, और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बिल्कुल नरम रहेगा। और नॉर्थ में ज़्यादातर ना ये होली वगैरह में बनता है। यहाँ पे ये पानी गर्म हो चुका था, हमने इसे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि हमें इसमें फ्राई किए हुए जो वड़े हैं ना वो मैं यहाँ पर ऐड करते जाएंगे इसमें, जिससे कि ना ये पानी का जो एक टेस्ट है वो भी वड़े सोक करेंगे, और जिससे कि आपका वड़ा ना बहुत ही मुलायम रहेगा, और आप जब दही में डाल के खाएंगे तो एक आपको कड़ा सा महसूस भी नहीं होगा, और एक टेस्ट बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर जो होता है ना वो इनहेंस होता है, उससे बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। एक बार ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। यहाँ पे वड़ा बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका था, तो हम लोगों ने इसे तेल से निकाल लिया। ये देखिए तेल से निकालने के बाद ना हम लोग जो वो पानी रखे हैं ना उसमें हम लोगों को ये ऐड कर देना है। ये देखा, तो ये आपको ऐड कर देना, और ऐड करने के बाद 5 मिनट तक इस वड़े को रहने देना है। या तो आप पूरा एक ही बार तल लीजिए उसके बाद ऐड कर दीजिए, पर जैसे तलते जा रहे हैं ना और आप ये करते जाइएगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे हमने सेकेंड बार फिर से इसमें ऐड कर दिया है, तो इसी तरह से आप लोग बनाइए, और हाथ हल्का हल्का भिंगाते रहिएगा, क्योंकि ना ये बहुत ही चिपचिपा सा होता है ये दाल, तो आपके हाथों में बहुत चिपकेगा, तो इस वजह से आप ये ध्यान रखिएगा। और जब तक ये पके नहीं ना तब तक पलटने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, अदरवाइज ये ना बड़ी जो है ना ये टूट जाएंगी, क्योंकि ये बहुत चिपकती हैं। ये हो जाएगा ना तो ये खुद ही से निकल जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे। और ये हमारे तरफ नॉर्थ तरफ खास करके वो ना बिल्कुल होली में ना हर एक कोई के घर में बन है, ये एक डिश जो होता है ना बहुत ही फेमस होता है, और दही वड़ा और पुआ हर एक कोई के घर में बनता ही बनता है। तो एक बार ट्राई करके कमेंट करके बताइएगा आप लोग को ये रेसिपी कैसा लगा। आई होप पसंद आएगा रेसिपी आप लोगों को। और ये दही जो ये जो हम लोग वड़ा बनाते हैं
है ना, इसका भी दो तरह से, जैसे दही जो हम लोग इसके लिए बनाएंगे वो एक खट्टा भी बनता है और एक मीठा भी बनता है। तो आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ ना वो एकदम खट्टे वाली नहीं शेयर करूँगी, मीठा वाला दही के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने ये भी तला के उसके बाद उस बकेट में हम लोग इसे डाल दे रहे हैं, जिससे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखिए हमने इतना दही लिया है और दही को अच्छे से बीट करना है, और फ्रेश दही लीजिएगा जिससे कि और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये मेरा कल रात का दही था जमा हुआ, तो यहाँ पे देखिए अब इसे हम लोग अच्छे से बीट करेंगे। इसमें हम लोग ऐड करेंगे ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया, बहुत पतला भी आप बैटर मत कीजिएगा, अदरवाइज ना जब आप उसमें वड़े डालेंगे ना तो बहुत पतला पतला सा लगेगा, तो वो फीलिंग एक अच्छा नहीं आता है खाने में, होता है ना कोई कोई चीज़ का। तो यहाँ पे हम लोग चीनी दिए हैं स्वाद अनुसार, मैंने बड़े चम्मच से, मैं आपको बता दूँ 5 चम्मच इसमें चीनी होगा बड़े वाले चम्मच से, और दही को ना बहुत ही अच्छे से स्मूथ करके फेंट लेना है, कोई भी लम्स नहीं छोड़ना है, जिससे कि ना बहुत ही अच्छा लगेगा। और हम लोग दोनों कोई मिलजुल के काम कर रहे थे किचन में, जिससे कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, आज हम लोगों को बहुत सारा चीज़ बनाना था इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए वड़ा एकदम फूल चुका है ना और भी ज़्यादा, तो बहुत अच्छा बनता है ये, एक बार ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे देखिए दही हमने आपको दिखाया बहुत ही अच्छा से, देखिए ये बैटर देख रहे, एक भी लम्स नहीं है। इस तरह का आपको भी कर लेना है, यहाँ पे मैं ना स्पून ले रही थी कि आपको दिखा लूँ एक बार, तो इस तरह का ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा पतला मत कीजिएगा। और ये जो वड़ा है ना ये पानी को हल्के हाथ से गाड़ना है और एक बर्तन में हम ट्रांसफ़र करते जाएंगे, एकदम हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा उस पर फोर्स नहीं लगाइएगा नहीं तो वड़ा टूट जाएंगे, तो ये ध्यान ज़रूर रखिएगा। आप खाने से पहले इसे दही में डाल सकते हैं, या आप चाहें तो 2-4 डाल के रख दीजिए, तो ये थोड़ा ठंडा करके खाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ बना लिया था और यहाँ ब्रेकफास्ट करना था हमें, तो यहाँ पे हमने बनाया था बर्गर, आलू बर्गर बनाया था, आलू पैटीज वाला, तो बहुत ही जल्दी बन गया था। बट इसकी रेसिपी हमने शेयर नहीं किया है, बट मैं आपको फीलिंग दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा सब्जी ना होनी है, कारण हमने सिर्फ एक प्याज का स्लाइस ही डाला था, पर बहुत यम्मी बना था। और यहाँ पे हम लोग आ गए चटनी के लिए, तो यहाँ पे हमने डाला सौंफ थोड़ी ऑयल में, वही ऑयल में हम लोग बना ले रहे हैं, वही कढ़ाई में थोड़ा सा सौंफ, हल्का सा सौंफ चटक गया था। और इमली को ना आपको फुला देना है और उसे अच्छे से उसका पल्प अलग कर लेना है और उसे छान लेना है। उसके बाद ये देखिए इमली का पल्प निकाल के रखा था हमने, मैं इसमें डाल रही हूँ, और रेड चिल्ली का पाउडर हमने थोड़ा सा ऐड किया है। और ये ऐड करने के बाद आपको थोड़ी देर तक थोड़ा सा और मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि ये और थोड़ा सा पकेगा, ठीक है। तो आपको पानी ऐड कर देना है, इसमें नमक और चीनी। तो इसमें ये मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे दिखा रही हूँ, यहाँ पे आपको आप देख रहे होंगे हल्का हल्का उबाल जो है ना वो आ रहा है। तो जैसे ही उबाल आएगा हम लोग इसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड कर देंगे, आप अपना टेस्ट अनुसार ऐड कीजिएगा, आप कितना मीठा खाते हैं उसके अनुसार, क्योंकि इमली की जो चटनी होती है वो खट्टा मीठा ही अच्छा लगता है खास करके। तो शायद यहाँ पे क्लिप मिस हो गया है, यहाँ पे हमने थोड़ी सी नमक भी ऐड किया था, ठीक है, आप लोग भी थोड़ा नमक दीजिएगा जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ पे आप चाहें तो रेड मिर्ची सूखा जो होता है ना वो भी ऐड कर सकते हैं, बहुत लोग सूखा मिर्च ऐड करते हैं और जीरा भी ऐड करते हैं, बट हमने अभी यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किया है। और ये देखिए कितना अच्छा से उबल रहा है, तो इसी तरह से इसे चलाते हुए अच्छे से पका लेना है। आपका जो पानी है ना वो आप देखेंगे कि वो गढ़ा होने लगा इमली का चटनी, तब जाके पकेगा, तुरंत से नहीं पकेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। पर ये चटनी आप स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, आप जब चाहें तब खा सकते हैं, इसकी ये बहुत ही अच्छी खासियत है। तो आप इसे बनाइए और खाइए, और कोई भी, क्योंकि इमली की चटनी का क्या होता है ना, आप कोई भी पकौड़े बना रहे हैं, कुछ सैंडविचेस हैं या कोई भी चीज़ है घर में, तो आप उसके साथ खा सकते हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। या समोसे बना रहे हैं, तो अभी जैसे कि लॉकडाउन है घर पे सब कुछ बना रहे हैं, तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये बन गया था। और यहाँ पे ना कुछ खड़े मसाले थे जो कि मैंने आपको दिखाया, गोटा धनिया, गोटा जीरा, लाल मिर्च, ये सबको हम लोगों को रोस्ट कर लेना है कढ़ाई में, कढ़ाई गरम करके इसे डाल देना है, और अजवाइन भी, सॉरी, तो ये हम लोगों ने ऐड कर दिया है इसमें। और यहाँ पे अजवाइन आपको 1/2 चम्मच लेना है, जीरा पाउडर आपको 2 चम्मच लेना है, धनिया 1 चम्मच लेना है, और यहाँ पे लाल मिर्च तीखा आप जितना खाते हो उसके अनुसार ही लीजिएगा। और इसे हम लोग ड्राई रोस्ट कर रहे हैं, गरम करने के बाद हमने इसे ऐड किया था, और इसे अच्छे से ड्राई रोस्ट करके इसका एक पाउडर तैयार करना है, जो कि दही वाड़ा जब हम लोग खाएंगे ना उस समय इस पर ऐड करेंगे। ये मसाला बहुत ही टेस्टी लगता है दही वड़ों पर, जब आप
इमली की चटनी और ये मसाला डाल के खाएंगे ना, तो मैं क्या बोलूँ, बहुत ही मुंह में पानी आ जाता है दही वाड़ा का नाम सुन के। तो ये हो चुका था अच्छे से रोस्ट, और एक ना बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी, तभी आप गैस ऑफ कीजिएगा, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं कीजिएगा, नहीं तो मसाले जल जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमने ठंडा करके इसे जार में भर लिया था और इसका एक पाउडर बना लिया, ये देखिए पाउडर इस तरह से आपको बना लेना है, और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं ये पाउडर को, कुछ भी आप चाट वाट बना रहे हैं ना उसमें भी डाल सकते हैं। यहाँ पे दही, यहाँ पे वड़ा, मसाला और इमली की चटनी, ये तीनों रेडी था। और अब हम लोगों को यहाँ पे मैं वही दिखा रही थी, तो बस यहाँ पे अब हम लोग इसे प्लेटिंग करेंगे खाने के लिए। तो आप यहाँ पे ना चाहें तो आप दही वड़ा, ये सब हम लोगों ने फ्रिज में रख दिया था, आप बर्तन देख के ही नोटिस कर रहे होंगे, तो हमने दही में वड़ा डाल के प्लेट में सजा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने चार वड़ा लिया है, और दही देखिए कितना अच्छा, मतलब दही बहुत ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा, नहीं तो ना अच्छा टेक्स्चर नहीं लगेगा और खाने में भी उतना टेस्ट नहीं आएगा। तो आप चाहें तो ये जो वड़ी है ना आप डाल के भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो आप उसी समय डाल के खाइए, क्योंकि ये जो वड़ी है ना बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही सॉफ्ट। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। और यहाँ पे दही हम लोगों ने थोड़ा सा डाला, इमली की चटनी थोड़ा सा डालेंगे, इमली की चटनी है देखिए कितना कलरफुल लग रहा है ना, मतलब मैं बोल रही हूँ पर इतना मुँह में पानी आ रहा है, लग रहा है कि अभी एक मिल जाता तो मैं खा लेती, बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पर हम लोग जो मसाला बना के रखे थे ना उसे हल्का सा डालेंगे इस पर, और मसाला डालने के बाद हम लोग इसमें काला नमक आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो काला नमक ऐड कर दिया हमने, और सही में मैं बता रही हूँ ये बहुत ही यम्मी बना था, एक बार ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा ये रेसिपी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत ही टेस्टी बना था। और अब रात हो चुका था तो बहुत आज हम लोगों ने ये सब खा रहे, मतलब इस आज तो हम लोगों का जो खाने का जो ये था ना मेन्यू बहुत ही अलग था, मतलब आज हम लोग दिन भर कुछ कुछ स्पेशली बना के खाते रहे। तो ये यहाँ पे हम लोग चाउमीन बनाने के लिए आ गए थे, और वेज चाउमीन बनाने के लिए, तो दो चाउमीन हमने उबाला था, यहाँ पे पानी गर्म हो चुका था, तो उसके बाद हमने ये ऐड कर दिया और अच्छे से इसे उबाल लिया। आप चाहें तो इसे में थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं कि जिससे कि ये चिपकेगा नहीं, यहाँ पे कुछ कैमरा का इशू हो गया था सॉरी। और यहाँ पे देखिए अच्छे से बॉईल हो रहा है। तो चाउमीन जब भी आप बनाएं ना तो ये ध्यान रखिए कि चाउमीन आपका बहुत ज़्यादा कुक नहीं होना चाहिए, मतलब वो पकना चाहिए, ओवर कुक हो जाएगा ना तो जब आप वो बनाएंगे ना तो वो एक हलवा टाइप हो जाएगा, और चाउमीन हलवा टाइप नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए हो चुका था, हमने ठंडा पानी के साथ वो डाल दिया छन्ना में, मतलब उसे छान लेना है अच्छे से, और ठंडे पानी से ना अच्छे से उसे धो लेना है जिससे कि उसका जो स्टार्च है वो निकल जाए। हमने हल्का सा ऑयल ऊपर से ऐड किया और उसे मिक्स कर देना है हाथों से। देखिए कितना अच्छा हुआ है ना, चाउमीन हम लोगों का एक भी टूटा भी नहीं है और सब लंबा लंबा है। यहाँ पे हमने सब्जी लिया है, बंद गोभी, शिमला मिर्च, पनीर, और यहाँ पे थोड़ी सी धनिया पत्ता लिया था, और फर्स बीन, यहाँ पे मिर्च, प्याज, लहसुन ये सब लिए थे। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई रखा, और जब भी कोई मतलब चाइनीज फूड बनाते हैं ना खास करके, तो आप कोशिश करें कोई भी बड़े बर्तन में बनाने का, तो आपके पास नॉन स्टिकी बर्तन हो तो वो तो बहुत अच्छा है, बट हमारे पास अभी नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा बड़ा बर्तन लिया है स्पेस वाला, और इसमें हम लोग पहले पनीर फ्राई कर ले रहे हैं। तो पनीर हमने बहुत छोटा छोटा काटा था, और उसके बाद यहाँ पे हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए पनीर अच्छे से फ्राई हो चुका था, तो हम लोग पनीर को निकाल लेंगे, और पनीर निकालने के बाद हम लोग इसमें जो मशरूम कट करके रखे थे ना वो ऐड कर देंगे, और उसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और उसको भी हम लोग निकाल के रख लेंगे। तो ये जो चाइनीज फूड होता है ना खास करके ये हाई फ्लेम पे ही बनता है, तो ये ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। चाइनीज़ फूड का यही है ही, मतलब फंडा ही यही है। तो इसमें हम लोगों ने थोड़ा गार्लिक दिया है, हमने गार्लिक छोटे छोटे टुकड़े में काटा था, और चाइनीज फूड में ऐसा मतलब हम लोगों को बहुत ही टेस्टी लगता है, गार्लिक का जो टेस्ट होता है ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमने एकदम छोटे छोटे कट किया था और ये डाल दिया था, और उसके बाद हमने यहाँ पे मिर्च
और प्याज जो काट किया था वो ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने ना 3 प्याज कट किया था, तो इसके बाद यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर तक इसे भूनना है, जिससे कि इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, जैसे कि बोलते हैं ना कि प्याज को गला देना है, ऐसा कुछ भी नहीं। थोड़ा सा आपको फ्राई करना है, बस बस क्रंचनेस होना चाहिए, तभी वो सब्ज़ी की जो टेस्ट होती है ना बहुत ही अच्छी आती है खाने में। बहुत ज़्यादा भी नहीं, जैसे बहुत ज़्यादा किसी किसी को अच्छा लगता है, बट हम लोगों को नहीं लगता है, वो लगता है थोड़ा कच्चा कच्चा। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा पकाते हैं, बहुत नहीं पर थोड़ा पकाते हैं। और यहाँ पे मैंने सभी सब्जियों को देखिए एक एक करके ऐड कर दिया टोटल, और उसके बाद मैं थोड़ी देर तक इसे फ्राई कर लूँगी। आपको थोड़ी देर तक सॉटे कर लेना है हाई फ्लेम पे, ये ध्यान ज़रूर रखिएगा। और यहाँ पे ये देखिए मशरूम और पनीर, ये दोनों ऐड कर दिया जब वो सब सब्जी फ्राई हो चुका था, उसके बाद ये ऐड कर दिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे चाउमीन भी ऐड कर देंगे, और मैं कोई मसाला पहले ऐड नहीं कर रही हूँ, ये आप लोग को मैं पहले ही बता दे रही हूँ। आप चाहें तो पहले भी ऐड करते हैं, बहुत कोई तो बहुत तरीके से चाउमीन बनता है, मैं जो आज बना रही हूँ उसके अनुसार मैं बता रही हूँ। यहाँ पे भाभी बना रही थी, तो ये चाउमीन ऐड चुका है, बहुत यम्मी चाउमीन बना था, बहुत ही टेस्टी एकदम, मतलब होते हैं ना जो ठेले वाले चाउमीन होती है ना, एकदम ऐसे ही। नॉर्थ में ना ठेला पे चाउमीन खाने का कुछ अलग ही मज़ा होता है, तो ठेले वाले चाउमीन की याद आ गई थी ये चाउमीन खा के, बहुत अच्छा लगा था। और आई होप आप लोगों को भी ये रेसिपी वगैरह पसंद आए, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ये नमक हमने ऐड कर दिया था स्वाद अनुसार, क्योंकि हमने चाउमीन उबालते समय भी नमक नहीं ऐड किया है, या कोई सब्जी में भी ऐड नहीं किया है। और यहाँ पे सोया सॉस, तो सोया सॉस में भी नमक होता है, तो ये ध्यान रखेंगे कि नमक आप कितना ऐड कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो फिर नमक ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे एक मैगी मसाला, इसका तो मैजिक है मैगी मसाला, मतलब ना मुझे ऐसा लगता है चाउमीन में भी ऐड कर दो ना, इतना अच्छा एक टेस्ट देता है, इतना अच्छा फ्लेवर देता है ना कि क्या बताऊँ, मुझे बहुत पसंद आता है। यहाँ पे हल्का सा गोलकी पाउडर, गोलकी पाउडर ऐड करने के बाद ना इसमें हम लोगों ने सॉस ऐड किया था, रेड चिली सॉस और सोया सॉस तो हमने ऐड कर दिया था। यहाँ पे हम लोग टमाटो सॉस ऐड किए हैं, उसके बाद हमने ऐड किया था चिल्ली सॉस थोड़ा सा, तो अपने टेस्ट अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। और विनीगर हमने थोड़ा सा ऐड किया था चाइनीज़ फूड में, तो विनेगर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स किए थे, ये देखिए एकदम चाउमीन हमारा टूटा नहीं था, बहुत अच्छा बना था। और ये बस बन जाता है तुरंत से, झटपट वाला जो डिनर होता है ना यही होता है। तो आई होप वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, मुझे भी सपोर्ट कीजिए, और मेरे वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर कीजिए। और मैं यहाँ पे दिखा रही थी आप लोगों को कि देखिए चाउमीन कितना अच्छा बना है, एक भी चिपका नहीं है या टूटा नहीं है, बहुत ही अच्छा बना था, खाने में इतना टेस्टी हुआ था ना, बहुत ही अच्छा लगा। तो एक बार ट्राई करिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स, एंड फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ। बाय बाय।